गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज मनीष गोयल, वेलकम्स ऑल ऑफ यू। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड्स एंड फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, दैट इज रविंद्र थ्योरम। तो मैं हर साल देखता हूँ छोटे बच्चों को, जब मैं 9th में पढ़ाता हूँ तो दे आर ऑलवेज कन्फ्यूज इन रविंद्र थ्योरम। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रविंद्र थ्योरम कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है और आप लोगों ने पहले इसको 6th, 7th, 8th में पढ़ा होगा। और देखिए वो वहाँ आपने किस तरीके से पढ़ा हुआ है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किए देता हूँ कि वहां रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा आप लोगों ने कि 6 से अगर मैं डिवाइड करूं 79 में, सपोज करिए तो आपने 6 से 79 में डिवाइड किया तो ये डिवीजन जो हुआ आपका वो 6 1 6 और यहां कितना रिमाइंडर हुआ 1 एंड 9 और ये हुआ 6 3 18 तो यहां कितना आया 1। तो आप सारे बच्चों को पता है कि ये 13 क्या है आपका, दिस इज द क्वोशेंट, दिस इज व्हाट रिमाइंडर एंड दिस इज व्हाट डिवाइजर एंड दिस इज व्हाट डिविडेंट। तो आप लोगों ने एक थ्योरम और भी पढ़ी होगी और जनरली मैं बच्चों से पूछता हूं तो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, थ्योरम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। एंड व्हाट इज द डिवीजन एल्गोरिथम, इट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ध्यान से, दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां आपने जो 5th क्लास तक पढ़ा था और वहां आपको केवल ये नंबर को डिवाइड करना, क्वोशेंट निकालना, रिमाइंडर निकालना, फिर वेरीफाई करना बताया गया था, लेकिन 6th क्लास के बाद 7th 8th में जब आप पहुंचे तो वहां पर आपको डिवीजन एल्गोरिथम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप लोगों ने सीखा और वो मैं आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करूं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपने क्या करने को मिला आप लोगों को, वहां आप लोगों ने क्या किया कि सपोज करिए आपको एक fx दे दिया, दैट इज x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड इट इज डिवाइडेड बाय gx एंड दैट इज x-1। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो आप fx को gx से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपने जो 8th क्लास में पढ़ा, 7th में पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, तो वहां आपको केबल और केबल लॉन्ग डिवीजन मेथड था। तो यहां आपने x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो पहले तो आप ये देख लें कि ऊपर थ्योरम क्या लिखी हुई है, इफ अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय gx x माइनस a। तो देखिए ये पॉलिनोमियल है आपकी और इस पॉलिनोमियल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर इज गिवन बाय fa और कंडीशन और लिखी हुई है डिग्री ऑफ fx, डिग्री का मतलब पावर, डिग्री का मतलब पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। तो gx की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो यहां मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो सभी बच्चों को मालूम है इस x³ को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले यहां पर x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चे भूल जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, इस x² का मल्टीप्लाई x से तो ये x³, इसका मल्टीप्लाई इस से माइनस x², अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज, तो देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल, 3x² और x² कितनों का बच्चों, 4x² प्लस 3x प्लस 1, राइट। अब यहां पे ये 4x² है तो मेरे को इस 4x² को लाइक टर्म लाना पड़ेगा, तो x में किससे मल्टीप्लाई, 4 से और x से, तो ये कितना हुआ 4x², 4x पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव, दिस इज माइनस 4x, तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 7x प्लस 1। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नाउ वी हैव टू एलिमिनेट 7x, तो यहां भी x, यहां 7x, मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज व्हाट 7x और ये हो गया आपका माइनस का 7, तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों टर्म कैंसिल और ये 8। तो यहां पॉलिनोमियल में देख रहे हैं
कि ये जो आपका टर्म मिला दिस इज नोन एज द क्वोशेंट, दिस इज वॉट रिमाइंडर, दिस इज वॉट डिवाइजर एंड दिस इज वॉट डिविडेंड। राइट बच्चों, तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन नाइन्थ क्लास इसको हम लोग अब रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे और वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से समझा कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। तो यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। इट इज अ डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों का स्ट्रांग नहीं है तो वो आप इस वीडियो को देखें और करने की कोशिश करें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन सम मोर क्वेश्चंस ऑफ डिवीजंस। अब मैं आपकी जो थ्योरम है उसको ठीक से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि देखिए थ्योरम है क्या। थ्योरम यह है कि अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है एंड इट इज डिवाइडेड बाई जी एक्स एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर विल बी गिवन बाय एफ ऑफ ए। राइट बच्चों, एफ ऑफ ए में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इज नथिंग एल्स, इट इज एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यू हैव टू रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू ए। अगर मान के चलिए जी एक्स इज इक्वल टू होता आपका एक्स प्लस ए, तो यहां हम एक्स प्लस ए को जीरो से कंपेयर कराते तो मेरा एक्स इज इक्वल टू कितना आता, माइनस ए। तो ये बच्चों को मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थ्योरम भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गई होगी कि अगर एफ एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है और इसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल, फिलहाल अभी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, दैट इज द एफ ऑफ ए। लीनियर इसलिए बोला गया कि अगर यहां बात क्वाड्रेटिक की आती तो वो कहानी डिफरेंट थी। तो यहां रिमाइंडर थ्योरम में आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अब आप ये देखें इसको कि जो क्वेश्चन मैंने आपको डिवीजन का एक्सप्लेन किया था अभी, तो वहां आपकी जो पॉलिनोमियल थी दैट वाज द एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स माइनस वन, देन व्हाट इज द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। राइट, तो यूजिंग अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया मैंने आप लोगों को, ये यहां से हम इसको निकालेंगे तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, वन। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, देयरफॉर रिमाइंडर विल बी व्हाट, यहां समझ लें, लिखने का तरीका देख लें, इट विल बी f ऑफ वन। वहां आपका डिवाइजर x माइनस ए था इसलिए रिमाइंडर f ऑफ ए था, यहां डिवाइजर आपका x माइनस वन है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, वन। अब हमें करना क्या है कि जो आपकी पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह वन रिप्लेस कर देना है। तो यहां पे x की जगह वन रिप्लेस किया तो वन क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस वन। तो यहां वन क्यूब कितना हुआ, वन, वन स्क्वायर वन, दिस इज व्हाट, थ्री, देन थ्री, देन वन, तो ये कितना हुआ, थ्री थ्री सिक्स वन और वन सेवन एट। तो दिस इज द रिमाइंडर। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन ऑब्टेन करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और बताई देता हूं, वो भी आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए यहां मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो बच्चों इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द फैक्टर थ्योरम। तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और जो भी आपकी क्वेरी हो वो मेरे को आप चैट में लिख के डाल दें, मैसेज पे लिख के डाल दें, इनबॉक्स करें। तो यहां से मेरे को आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या, मुझे मालूम है कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो है क्या, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और जो जी एक्स है जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं इट इज वॉट, एक्स माइनस ए। देन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, राइट बच्चों, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ ऑफ क्या रखना है मेरे को, ए विल बी द रिमाइंडर। तो यहां ए क्यूब माइनस
ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, तो बच्चों ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए और माइनस का ए, देखें ध्यान से, तो यहां ए क्यूब कैंसिल हुआ और सिक्स ए में से ए गया, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 5a. तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है. देन वी विल गो थ्रू द फैक्टर थ्योरम और इसके बाद हम कंबाइंड रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में एक्सप्लेन करूंगा. थैंक यू सो मच.